हेलो, मैं डॉक्टर पूनम मगो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन गायनी ऑफ सेंट माता रुक्मिणी मगो हॉस्पिटल दिल्ली। हमारे पास सबसे ज्यादा जो क्वेरी आती है वो पीरियड्स इरेगुलरिटी के बारे में आती है। लोग ये जानना चाहते हैं कि पीरियड इरेगुलर क्यों हो जाते हैं और क्या करें अगर पीरियड इरेगुलर हो तो। सबसे पहले तो हम कॉमन कॉजेस की बात करेंगे। जैसा कि स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन कॉज है जिसमें कि पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, डिले होके आते हैं या जल्दी भी आ सकते हैं। यंग गर्ल्स में काफी कॉमन है एग्जाम टाइम में पीरियड का मिस हो जाना, तो स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल होता है। आपका एक आधा पीरियड स्किप भी हो सकता है, डिले हो सकता है या जल्दी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली आपके बाकी के साइकिल्स रेगुलर होंगे, ये कभी कभार होता है। दूसरा, जैसे कि आपने काफी डिस्टेंस का ट्रैवलिंग किया है, आपका स्लीप साइकिल चेंज हो गया है, आपका सर्कैडियन रिदम चेंज हो गया है, वो भी आपके पीरियड्स की लेंथ को अफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो इसमें हमें डिस्कस करना है वो है प्रेगनेंसी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको प्रेगनेंसी रूल आउट करना रहता है इरेगुलर पीरियड में, चाहे आपका पीरियड डिले आया है चाहे आपका जल्दी आया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ध्यान देने की है, जो कि लोगों को यूजली पता नहीं होता है, लास्ट कॉन्टेक्ट के 14 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो लास्ट कॉन्टेक्ट के 14 दिन तक आपको वेट करना है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। अगर 14 दिन बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको डॉक्टर से मिलना रहेगा, अगर नेगेटिव आता है तो आप पीरियड आने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके काफी टाइम से पीरियड इरेगुलर रहते रहे हैं तो उसमें हॉर्मोनल कॉजेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि थायराइड है, प्रोलैक्टिन है। आपको कुछ अपने हॉर्मोन्स के बेसिक टेस्ट कराने रहेंगे, एक अल्ट्रासाउंड भी कराना रहेगा और अकॉर्डिंगली फिर आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं पीरियड्स इरेगुलरिटी के लिए, अगर इसमें कुछ कहीं प्रॉब्लम आती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें कि पीरियड्स काफी इरेगुलर रहते हैं, वो है पीसीओएस। पीसीओएस के पेशेंट्स में ज्यादातर पीरियड्स डिले होके आते हैं, और लेकिन कुछ पेशेंट्स में जल्दी भी आ सकते हैं। और पीरियड्स डिलेड का जो एक फिक्स पैटर्न होता है मोस्टली पेशेंट्स में, जैसे 35 डेज में आएंगे या 40 डेज में आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है पीरियड्स 2-3 महीने तक ही नहीं आते। तो पीसीओएस क्या होता है, क्यों होता है, इसके ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, क्या रेगुलर मेडिसिन खानी चाहिए और क्या ये हमेशा के लिए क्योर हो जाता है या नहीं, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया है जो कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। पेशेंट ये भी जानना चाहते हैं कि पीरियड्स रेगुलर रहे उसके लिए वो खाने पीने में क्या यूज करें और ऐसी क्या चीज है जो खाने से या नहीं खाने से पीरियड रेगुलर हो सकते हैं। नॉर्मल जो घर का खाना होता है वो आप आराम से खाइए। जंक फूड इन ऑल हेल्थ के लिए ऑल ओवर अच्छा नहीं होता है, तो जंक फूड का सेवन आपको कम करना है। इसके अलावा अगर आप ओबेस हैं, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें पीरियड्स इरेगुलर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आप कार्ब्स कम कीजिए, पीजिए और अपने कार्ब्स यानी आपको मीठी चीजें और जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है वो वाली चीजें कम लेनी है, जंक फूड कम लेना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन सब चीजों का यूज कम करना है, ताकि आपका वेट नॉर्मल रहे, आपका बीएमआई मेंटेन रहे और आपको पीरियड्स इरेगुलर होने की प्रॉब्लम कम रहे। जो हेल्दी चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, घर का बना खाना है, वो आप आराम से खाइए। और ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है जिसको खाने से आपका पीरियड नॉर्मल हो जाएगा, या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक चीज पॉइंट आउट करना मुश्किल है जिसको खाने से आपका पीरियड इरेगुलर हो जाएगा। इन जनरल आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप हेल्दी खाएं और फिट रहें।